गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसमैथ समय। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की, जिसमें कि हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक्स है एडजॉइंट फाइंड करने की। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे एंड 3x3 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 है, ये 2x2 मैट्रिक है। यदि हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करोगे, ये जो टू एलिमेंट है, टू एंड एफ, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट, इनको चेंज करके इंटरचेंज करना है। 8 ऊपर में आ जाएगा एंड 2 नीचे चले जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 एंड 6 है, यहाँ पे साइन चेंज कर दोगे, -4 एंड -6, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा 2x2 मैट्रिक के लिए। बट 3x3 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम, इसके बारे में बात करते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो कॉलम C1, C2, C3 है एंड रो R1, R2, R3 है, C1, C2, C3 एंड R1, R2, R3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार ये कॉलम लिखेंगे C1, C2, C3 एंड C1 एंड C2 को दोबारा से और लिख देंगे C1, C2, ठीक है। एंड इधर में R1, R2, R3 एंड R1, R2, ये टू रो को बढ़ा देंगे नीचे एंड टू कॉलम्स को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे। फिर जो मैट्रिक्स में एलिमेंट लिखे उन्हें लिख देंगे, ओके। तो 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 0, 1, 2, 0, 1, 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, 1, 2, 3 0, 1 and 1, 2। तो देखिए, हमने इस मैट्रिक को 3x3 मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिए, हमने कॉलम टू कॉलम्स आगे बढ़ा दिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड रो R1 एंड R2 को बढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2, 3, 1, 1 है, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मैं इस साइड में क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर साइड में क्लीन कर दे रहा हूँ। तो ये जो है 2x1 करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा 2 माइनस 3, ठीक है। देन इसके बाद में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 2 माइनस 1 एंड फिर 1 3 जा 3 एंड 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 4। हम क्या करेंगे, ऐसे कॉलम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड राइट हम रो में करेंगे, ठीक है, राइट रो फॉर्म में करेंगे। सेम ऐसे सेकेंड वाले में करेंगे 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, तो 9 माइनस 1 एंड 1 0 जा 0, 2 3 2 जा 6, 0 माइनस 6 एंड 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 2 माइनस 0 एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 0 1 जा 0, 3 माइनस 0 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 2 जा 0 एंड 1 1 जा 1, तो 0 माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा आपके पास में, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 3 माइनस 4 करेंगे तो -1, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8, 0 माइनस 6 करेंगे तो -6 एंड 2 माइनस 0 करेंगे तो 2, 1 माइनस 6 किए तो -5, 3 माइनस 0, 3 एंड यहाँ -1। तो ये जो है ये मैट्रिक आपकी 3x3 मैट्रिक, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए।
-1, -1, -1, -6, -5, -3, -1। तो इस टाइप से हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। ठीक है, यदि पूछा जाता कि ए इनवर्स क्या होता है, ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। यदि किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए इनवर्स क्या होगा बताइए, तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इस टाइप से निकालूंगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, तो 3x3 मैट्रिक है, इसका डिटर्मिनेंट शायद आप सभी को निकालते आता होगा, यदि नहीं भी निकालते आता तो मैं बताना चाहूंगा डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट जैसे मैट्रिक्स है कि 1 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1, तो हम क्या करेंगे, इधर साइड जो एलिमेंट 2 1, तो 2 1 को हम यहाँ लिख देंगे एंड 0 3 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स जहां बन रहे हैं, ये देखो डायगोनल्स बन रहे, इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद एड कर देंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो ये आपका हो गया 1 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 1 3 जा 3, 3 0 जा 0, फिर माइनस करेंगे, फिर हम इधर साइड से डायगोनल बना लेंगे, तो देखो 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, फिर प्लस 2 1 जा 2 एंड 0 जा 0, प्लस 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। अब हम इसे प्लस करके माइनस कर देंगे, 12 प्लस 1 13 हो गया, -9 प्लस 2 आपका हो गया 11 इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, -1 दिखाई दे रहा है, -1 1 -1 8 -6 एंड 2 एंड -5